अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंसेस। सो व्हाट इज अ टेंस माय डियर स्टूडेंट्स? टेंस मीन्स टाइम। वी कैन से टेंस शो द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने कह दिया एक्शन, तो जब हमने एक्शन की बात की तो हमने वर्ब की बात की, तो हमारे कहने का यही मतलब हुआ कि वर्ब की जिस शक्ल से ये पता चले कि काम कब हुआ है उसे टेंस कहा जाता है। अब सवाल है कि टेंस कितने तरह के होते हैं? वी कैन से टेंस हैव थ्री फॉर्म्स। टेंस तीन तरह के होते हैं। ओके किड्स, फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकेंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। सो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस। हम पास्ट टेंस की बात आज नहीं करेंगे क्योंकि आपको कन्फ्यूजन न हो, इसलिए हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे। ओके, तो व्हाट इज अ प्रेजेंट टेंस? द प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन इज प्रेजेंट टेंस। द प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन। वी कैन से प्रेजेंट टेंस शो द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, हैबिट एंड जनरल ट्रूथ इन प्रेजेंट टाइम। ओके किड्स, यू नो वी हैव ऑलरेडी लर्न three forms of the verbs, so we shall learn the usage of them in different forms. Okay kids, yani ke hum verb ka istemal tenses ke teen formon mein kaise karte hain, aaj hum padhenge present tense. To present tense mein kya hum bolenge? The time in present tense is now. Now means अब, यानी कि अभी जो काम हो रहा हो उसी को present tense कहा जाता है, अभी जो काम हो रहा हो। Let's learn with examples. My dear students, हमने लिखा I eat apples, I eat mangoes, यानी कि काम हो रहा है, action हो रही है। किस चीज़ की action हो रही है? सेब खाने की action हो रही है। ओके, नेक्स्ट ही इज इन द गार्डन, यानी कि वो बाग में है, एक्शन हो रही है अभी। इसमें कौन सा टाइम देख रहा है? अब, नाउ, यानी कि अब। वी टेक अ बाथ डेली, ये क्या दिखा रहा है? हैबिट, हैबिट। हेल्थ इज वेल्थ, इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ आ रहा है। माय डियर किड्स, इन दिस वे वी कैन से द प्रेजेंट एंड शो द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन, हैबिट इन जनरल ट्रूथ इन प्रेजेंट टाइम। सो द टाइम इन प्रेजेंट टेंस इज नाउ। ओके क्लियर, यानी कि वर्ब की जिस शक्ल से हमें ये पता चले कि काम कब हुआ है उसे टेंस कहते हैं, और प्रेजेंट टेंस से हमें क्या पता चलता है कि काम अभी हो रहा है, अभी इसी वक्त हो रहा है। आई ईट एप्पल्स, अभी हो रहा है ये काम। आई ईट मैंगोज, ही ईट्स ब्रेकफास्ट, मैन इज वाटर, द मून सेट्स इन द वेस्ट। इन दिस वे वी कैन से दीज आर प्रेजेंट टेंसेस। ओके ओके किड्स, अब हम कहेंगे इस टेंस की कितनी शक्लें हो सकती हैं। प्रेजेंट टेंस की कितनी शक्लें हो सकती हैं? माय डियर किड्स, वी कैन से फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, यानी कि हर एक टेंस की चार अलग अलग शक्लें होती हैं। तो इसका मतलब हुआ प्रेजेंट टेंस की भी चार अलग शक्लें होंगी। तो क्या क्या है इसकी अलग अलग शक्लें? पहली होगी प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट भी कह सकते हैं। दूसरा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस,
चौथा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसी तरह से ये चारों शक्लें पास्ट टेंस की भी होंगी, फ्यूचर टेंस की भी होंगी। तो हम इंशाल्लाह आगे आगे पढ़ते जाएंगे कि व्हाट इज़ अ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, व्हाट इज़ अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, व्हाट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन आप पहले प्रेजेंट टेंस को समझ लो कि व्हाट इज़ अ प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस शोज द प्रेजेंट टाइम ऑफ एन एक्शन। ओके, यानी कि द टाइम इन प्रेजेंट टेंस इज नाउ, जो अभी हो रहा है, प्रेजेंट में हो रहा है, उसे वो काम जो प्रेजेंट में हो रहा है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड दिस वीडियो क्लास एंड इंशाल्लाह वी विल लर्न नेक्स्ट क्लास व्हाट इज ए पास्ट टेंस। ओके, सी यू सून, बाय।